सो हाय एवरीवन, सो गाइस आज हम करने वाले हैं कुछ नया ट्राई एंड आज हम करने वाले हैं कुछ क्रेजी और वियर्ड पजल्स की अनबॉक्सिंग। एंड आप जैसा कि देख सकते हैं कितने ज़्यादा पजल्स हैं यार, और मैंने सारे क्यूब्स को ऑर्डर किया है सिर्फ आप लोगों के लिए एंड इन सब की अनबॉक्सिंग करेंगे एंड लेट्स ट्राई भी करेंगे इनको कि क्यूब कैसे होने वाले हैं। सो वीडियो करने तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इतने इंटरेस्टिंग क्यूब्स आपके लिए लाया हो तो एक लाइक भी रख देता हूं 1500 लाइक्स का, जो कि आप लोग डेफिनेटली पूरा कर ही देंगे। और इन क्यूब्स को आप डेफिनेटली पसंद करने वाले हो और आप लोग बाय भी करना चाहते होंगे, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाइए और इन क्यूब्स को बाय कीजिए। चेकआउट के टाइम पे अगर आप मेरा कोड इंडिया यूज करेंगे तो आपको 50 रुपीज का ऑफ मिलेगा एंड इस तरह आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर इतने सारे क्यूब्स को सबसे पहले कर लेते हैं अनबॉक्स एंड लेट्स सी कि कैसे होने वाले क्रेजी पजल्स और कौन कौन से पजल्स मैंने मंगाए हैं और इनको ट्राई भी करके दिखाऊंगा। सॉल्व तो मेरे ख्याल से अभी नहीं होंगे मुझसे, क्योंकि मैंने अभी इनको कभी भी ट्राई नहीं किया है। तो लेट्स सी कि कौन कौन से क्यूब्स हैं और कौन कौन से पजल्स हैं। सो गाइस एक एक करके अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ये 2x2x1 क्यूब, जो कि एक बार सारों को अनबॉक्स करते हैं फिर आपको इनके बारे में डिस्क्रिप्शन देता हूं, जल्दी जल्दी कर लेता हूं। सो गाइस मैंने कर लिया है इन सब क्यूब्स को अनबॉक्स एंड देख सकते हैं मैंने काफी पजल्स मंगाए हैं इस बार। और ये हमारा सुपर RS3M 2022 भी मंगाया मैंने, बट इसको मैं अभी अनबॉक्स नहीं करूंगा, ना ही मैं इसका अभी कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा इसका। सो ये क्यूब इस वाले वीडियो का पार्ट नहीं है, सो इसको करते हैं बाहर। तो एक एक करके बताता हूं आपको कि कौन कौन से क्यूब्स मैंने मंगाए हैं और कैसे इनके क्या होने वाला है। सो सबसे पहला क्यूब है ये है क्यूब लेलो का ड्रिफ्ट पेनरॉस क्यूब, सो की जो कि इसमें खास बात क्या है कि इसमें सिर्फ तीन ही कलर्स हैं, जैसा आपको यहां पे दिखेगा ब्लू रेड एंड येलो। सो ये काफी चैलेंजिंग पजल है क्योंकि इसमें आपको मिलेगा, ये शेप शिफ्टर पजल है। सो जैसे ही आप इसको स्क्रैम्बल करेंगे आपको शेप शिफ्टर देखने को मिलेगा ये, और ये इतना हार्ड पजल नहीं है, मैंने इसको सॉल्व करने का भी ट्राई किया था। और इन क्यूब्स पे मैं एक ऐसे वीडियोस भी बनाने का ट्राई करूंगा जो कि होने वाले हैं लाइक हमारे विदाउट एनी हेल्प वीडियोस, लाइक हम क्यूब को सॉल्व करेंगे विद नो हेल्प, जिसमें मैं कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखूंगा, डायरेक्टली कैमरे के सामने इन क्यूब्स को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। सॉल्व होगा तो सक्सेसफुल, नहीं होगा तो देखेंगे। ओके, सो ये पेनरॉस क्यूब है जो कि एक शेप शिफ्टर पजल है एंड इसको भी हम सॉल्व करेंगे कैमरे के सामने बाद में जब इसके स्पेशल वीडियोज आएंगे, जो कि मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी मैं बनाऊं उनको, जो हार्ड क्यूब्स होंगे उनका बनाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे हमारी बॉल दुखी होके चली गई वीडियो से। सो उसके बाद हमारे ये वाले क्यूब है जिसमें ये वाला जो है वो है क्यूब मिक्सअप 1 एंड दिस वन इज क्यूब मिक्सअप 2। क्या खास बात है इनमें? सो ये एक नॉर्मल क्यूब क्यूब के जैसे ही है, बट डिफरेंस ये है कि इसमें जो सेंटर्स हैं वो भी स्क्रैम्बल होते हैं। कैसे स्क्रैम्बल होते हैं? जैसे मैं इसको ऐसे करके टर्न करूंगा एंड देख सकते हैं स्क्रैम्बल हो गया। तो ये जब पूरा क्यूब स्क्रैम्बल हो जाता है तो बहुत वियर्ड लगता है, जैसे मैं आपको एक बार स्क्रैम्बल करके दिखाता हूं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना वियर्ड लग रहा है स्क्रैम्बल होने के बाद। सो दिस वन इज आवर क्यूब मिक्सअप 1 और उसी का एक बड़ा भाई जो हमें मिलता है वो है क्यूब मिक्सअप 2, जिसमें ये जो सेंटर्स हैं इनमें दो पीसेस लग गए हैं। बट द थिंग इज ये वाला तो अपना शेप शेप जो है वो नहीं बदलता है, बट ये दिस वन इज अ शेप शिफ्टर पजल, तो ये क्या करता है थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। जैसे कि इसमें भी वही रिंग वाला सिस्टम है, बट इसमें हम हाफ रिंग को करके ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं दो जो हमारे कैप्स हैं वो खड़े हो गए हैं, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। सो ये वाला भी स्क्रैम्बल होके काफी वियर्ड लगता है। अभी मैं इसको स्क्रैम्बल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को ये वाला तो मैं लगता है मेरे को कि मैं सॉल्व कर लूंगा, बट ये वाला मैं मुश्किल है कि मैं सॉल्व कर पाऊँ अभी। सो इसी वजह से अभी मैं इसको स्क्रैम्बल नहीं कर रहा हूँ, बट जल्दी ही स्क्रैम्बल करके इसमें इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब मैं मिक्सअप 2 को सॉल्व करूंगा बिना किसी हेल्प के। सो ये वाला क्यूब हो गया। एंड हमारा सबसे मोस्ट फेमस क्यूब जो कि है पपेट क्यूब, जिसकी काफी तारीफ आपने सुनी होगी कि ये क्यूब सॉल्व नहीं होता है क्योंकि काफी हार्ड क्यूब है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आपको लग रहा होगा, देखो अगर आप इसको ऐसे देखते हो तो आपको एक 2x2 लगता है, और ऐसे देखते हो तो ये काफी अलग क्यूब लगता है। इसकी खास बात यही है यार कि ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड क्यूब है, और काफी यूट्यूबर्स और यूक्यूबर्स एक्चुअली
इस क्यूब की बुराई करते हैं क्योंकि ये क्यूब सॉल्व ही नहीं होता है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल स्क्रैम्बल करने का रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। बट हाँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये भी एक शेप शिफ्टर पजल है और काफी वियर्ड है। इसका मैंने सोल्यूशन भी नहीं देखा है अभी तक, मैं किसी का भी नहीं देखा एक्चुअल में। बट इसका मैं जब मैं इसको सॉल्व करना सीख, क्योंकि इसको मैं विद नो हेल्प तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, आई गारंटीड पक्का वो वीडियो में फेल होने वाला हूँ मैं, इस वजह से मैं इसको तो सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ची का फ्लफी 3x3, जो कि सबसे बेस्ट लगा मुझे। क्यों बेस्ट लगा? क्योंकि एक नॉर्मल 3x3 है, बस इसमें थोड़ा सा आपको अलग क्या लगेगा कि एजेस और जो कॉर्नर्स है उनका शेप अलग है, बाकी एक नॉर्मल 3x3 है, नॉर्मल 3x3 की तरह सॉल्व होता है, शेप शिफ्टर पजल नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है फ्लफी 3x3, तो ये एक नॉर्मल ही 3x3। मैंने इसको सॉल्व करने की भी कोशिश की है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, सो इसमें एकदम एग्जैक्टली ये 3x3 की तरह सॉल्व होता है, एकदम वही F12 और वही OLL, PLL सब इसमें लगते हैं। बस टर्निंग में क्या हो जाता है, कभी कभी हम इसमें अलग होता है क्योंकि इसके कॉर्नर्स अलग हैं, तो चुभने का भी चुभते भी हैं, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। बट है एकदम नॉर्मल 3x3, टर्न्स काफ़ी ज़्यादा स्मूद हैं। इन सारे क्यूब के जितने भी शेप शिफ्टर पजल मैंने मंगाए हैं उनके टर्न्स काफ़ी स्मूद लगे मुझे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद लास्ट, एक्चुअली पता है यार मेरे को क्यूब सॉल्व किए इतना टाइम हो गया कि मैं PLL और OLL के एल्गोरिदम्स तक भूल गया हूँ, फिर से एक बार एग्जाम खत्म हो तब मैं फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करूँ। सो देख सकते हैं नॉर्मल 3x3 है बिल्कुल। सो इन सारे क्यूब्स की बात हो गई, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। सो ये कौन सा क्यूब है? सो ये है हमारा क्यूब ले लो का ही, कौन सा, ट्विस्टी क्यूब नहीं है ये वाला, क्यूब ले लो का हमारा जो क्यूब है, एक्चुअली मैं इसका नाम भी भूल गया हूँ ये कौन सा क्यूब है। सो ये क्यूब ले लो का फिशर क्यूब है, फिशर क्यूब भी एक शेप शिफ्टर पजल है जिसको हम नॉर्मली 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी मेरे को सॉल्व करना ही नहीं आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ा वियर्ड सा लग रहा है। सो ये भी हमारा एक शेप शिफ्टर पजल है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, बट इसको मैं शॉर्ट्स में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जो बहुत ज्यादा हार्ड होंगे उनको मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी ये वाली। सो ये है YJ की ईट बॉल, जिसका स्पेलिंग अगर मैं प्रोनंसिएशन में गलत हूँ तो देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या हो रही है। सो ये भी हमारी स्क्रैम्बल हो जाती है और जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रही है ये। इन सबके साथ ट्यूटोरियल गाइड नहीं आई है, किसी किसी के साथ आई है, जो जिसको साथ आई है उसको सीखने का ट्राई करूंगा, बट ये वाला भी मैं शायद कैमरे पे सॉल्व देखने का ट्राई करूंगा मैं विद नो हेल्प, क्योंकि विद नो हेल्प की वीडियोस फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे जिनमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। सो ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार, और काफ़ी इन सारे क्यूब्स, ये सारे के सारे शेप शिफ्टर हैं और काफ़ी सस्ते क्यूब्स हैं एक्चुअली, 300 से 400 में आपके सारे क्यूब्स मिल जाएंगे, कुछ कुछ महंगे हैं, बाकी सारे के सारे क्यूब्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ क्यूब ले लो का ड्रिफ्ट ट्विस्टी पजल, जो कि एक शेप शिफ्टर पजल है जिसमें आप ऊपर से अगर इसको देखेंगे तो एक नॉर्मल 3x3 लगेगा, बट जैसे ही आप इसे टर्न करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा है। और इसको मैं अगर सॉल्व करने का बताऊं और कैसे हम इसको कर सकते हैं, ये भी नॉर्मल 3x3, सारे क्यूब 3x3 की तरह सॉल्व होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि शेप शिफ्टर में थोड़ा सा हमें ज़्यादा हमारी अप्रोच को ज़्यादा अच्छा एनहेंस करना पड़ता है, बाकी ये भी एक शेप शिफ्टर पजल है, सारी 3x3 वाली एल्गोरिदम इसमें लगा सकते हैं आप लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें एजेस वाली मैंने लगाने की कोशिश की और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्यूब है यार, काफ़ी अच्छा क्यूब है, टर्न्स इसके भी काफ़ी ज़्यादा स्मूद है। नेक्स्ट है हमारा ची का 2x2x1 ब्लॉक क्यूब, जो कि काफ़ी स्मूद है और काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली ये क्यूब मेरे को काफ़ी ईजी लगा, मैंने जब इसको ट्राई किया था ये बहुत ज़्यादा ईजी लगा था, ये अंदाजे से भी सॉल्व हो जाता है, जस्ट ऐसे टर्न्स करने से भी कभी कभी तुक्के से सॉल्व हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा क्यूब है और काफ़ी ही छोटा सा और ईजी सा क्यूब है जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट जो क्यूब है वो है हमारा ये वाला, जो कि है हमारा ची का विजडम बॉल, नहीं ची का विजडम बॉल नहीं है, ये रेनबो बॉल स्फीयर है जो कि क्यूब ले लो का ही है। सो इसको आप एज अ स्पिनर भी यूज कर सकते हैं, एंड इसको स्क्रैम्बल कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सो इसको ऐसे करके आप स्क्रैम्बल कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं आपको एक बार टर्न करके दिखाऊं इसको। सो ये काफी, इसको मेरे को यार अभी तो यूज करना भी नहीं आता है कि इसको कैसे यूज किया जाता है। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे इसको यूज करते हैं, अगर मेरे को यूज करना आया तो। सो इसको आई थिंक ये बॉल्स जो है ये कवर हो जाती, लाइक अपने प्लेस का पोजीशन चेंज करती है, अभी मुझसे नहीं हो रहा है, सिर्फ टर्निंग के काम आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और कैसे हम इसको स्क्रैम्बल करते हैं, सबसे पहले तो स्क्रैम्बल करना ही सीखेंगे।
ये वाला क्यूब मैंने क्यूब लेलो से नहीं मंगाया, इसलिए पैकेज में मैंने बस डाल दिया था। ये वाला क्यूब मैंने एक्चुअली लोकल मार्केट से खरीदा है और ये वाला क्यूब मुझे काफी पसंद आया है। और ये वाला क्यूब जो है वो हमारा नॉर्मल 3x3 की तरह काम करता है, बट ये इसकी जगह नॉर्मल 3x3 के स्क्वायर पीसेज होते हैं, क्यूब शेप पीसेज होते हैं, उनकी जगह स्फीयर है। इनको हम इसको शायद एक आई थिंक बॉल समथिंग पजल बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है ना, इसलिए मैंने अपने कलेक्शन को सुंदर बनाने के लिए इस क्यूब को लिया था बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ची का सुपर आईवी क्यूब, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्यूब है। इसको मैंने ट्राई नहीं किया अभी, बट इसकी खास बात मेरे को ये लगी कि जब मैं इसको दो टर्न करके करता हूँ तो आपको देख सकते हैं इसकी मिडल लेयर काफ़ी सुंदर लगती है, देख सकते हैं जैसा कि आप, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है इसकी। और इसको स्क्रैम्बल करूं अगर मैं तो भी हमें इतना ज़्यादा वो नहीं देखने को मिलेगा, शेप शिफ्ट नहीं कर पा रहा है ये। आई थिंक ये शेप शिफ्टर पजल है भी नहीं, बट अगर इसका कुछ शेप शिफ्टर वाला फंडा होगा तो मैं देखूंगा और बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में। बट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये क्यूब, बहुत ज़्यादा सुंदर क्यूब है और टर्न करने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब ऐसे रखा रहता है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्यूब है और इसमें तीन लेयर्स हमारी, ए फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर ये वाली है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी ची की विजडम बॉल, जो कि कोई भी क्यूब नहीं है, जस्ट एक हम बोल सकते हैं वियर्ड सी बॉल है जिसके सारे पीसेस निकल जाते हैं और फिर हमें इनको अरेंज करना होता है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड होता है। जैसे मैं आपको एक बार निकाल के इनको दिखा देता हूं, अगर अलग हो तो। ये मैंने किनको इनको ट्राई किया था बट ये अलग नहीं हो पा रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी छोटे छोटे पीसेस हैं इसमें और अलग होना तो मुश्किल ही लग रहा है मुझको। देखते हैं एक बार, अरे काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है यार। हाँ निकल गया, तो फाइनली देख सकते हैं कैसे अलग अलग पीसेस आपको देखने को मिलेंगे। और ये हमारा रेड पीस है एंड और भी येलो के पलक जो येलो कलर के पीसेस हैं वो निकल सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। सो और निकालने का ट्राई करता हूँ। सो एक और पीस हमारे पास निकल गया येलो का, अब हम ग्रीन को निकालने का ट्राई। ओ एक और येलो का पीस है यार, बहुत ज्यादा अलग अलग पीसेस है इसमें। सो एक और येलो का पीस निकाला हमने, एक अब रेड का पीस निकालने का ट्राई करता हूँ। सो रेड के पीसेस भी सारे के सारे अलग हो रहे हैं, इनको भी मैं एक बार निकालने का ट्राई करने का कोशिश करता हूँ अगर हो पाया तो। यार अगर मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने निकाल तो लिया अब अगर कि इसको मैं डालूंगा कैसे। सो निकल नहीं रहा है ये यार, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा आई थिंक, दिस वन। नहीं पता नहीं यार, ये निकल नहीं पा रहा है। अब मैं ग्रीन को निकालने का ट्राई करता हूँ क्योंकि ग्रीन वाला हमारा निकलने के चांसेस हैं शायद, मे बी नॉट श्योर। निकल रहा है। ग्रीन वाले को थोड़ा सा रोटेट किया, ये एक्चुअली दूसरे वाला ग्रीन वाला बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से निकल नहीं पा रहा है। हाँ निकला। ये ग्रीन वाला पीस भी हमारा निकल गया और ये हमारी बॉल भी निकलने वाली ही है, बट ये निकलने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। सो ये वाला एक और ग्रीन का पीस है जो कि निकल सकता है, जल्दी से हमारे हाथ में आ जाए बस एक बार। काफ़ी हार्ड हो जाएगा ये, निकलने में इतना टाइम ले रहे हैं तो मैं तो सोच रहा हूँ सॉल्व करूँगा कैसे इनको। सो बस एक मिनट, ये वाला पीस यार निकलते फिर फंस जाता है यार। तो काफ़ी मेहनत के बाद हमारे पास मिले हैं कुछ ऐसे क्यूब और ऐसे अलग अलग पीसेस, अब इनको अरेंज करना है। आई थिंक ये बॉल भी निकलती होगी बट मुझसे अभी नहीं निकल पा रही, इस वजह से मैं इसको निकल गई। एंड फाइनली लास्ट पीस, और ये देख सकते हैं। सो ये है हमारा, कौन सा क्यूब था ये? ये वाला था हमारा ची की विजडम बॉल। लास्ट क्यूब जो हमारे इस कलेक्शन का हम बोल सकते हैं वो है हमारा ये वाला क्यूब, जिसका नाम है हमारा पोलारिस क्यूब, जो कि आपको दिख सकता है कैसे इसके कॉर्नर्स काफ़ी वियर्ड लग रहे हैं और यहाँ बीच में एक स्टार सा लग रहा है। सो इसको एक्चुअली अभी मैंने इसका हस्टन टेक्निकल का भी वीडियो देखा था, इसमें स्क्रैम्बल करने में प्रॉब्लम आती है और रियलिटी में प्रॉब्लम आती है। मैंने भी इसको ट्राई किया था स्क्रैम्बल करने का बट ये टर्न ही नहीं होता है। आई थिंक इसको अलाइन करते हैं जब जाकर ये एक मूव टर्न करता है, और उसको अलाइन कैसे करते हैं वो भी मेरे को अभी नहीं पता है, तो इस वजह से मैं इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ कर नहीं रहा हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, अब ये शायद टर्न कर पाए, मे बी। नहीं यार, मेरे साथ ये टर्न नहीं हो रहा है, टूट जाएगा। मैं ट्राई, मैं इसको देखूंगा पहले कि इसको टर्न करते कैसे, और उसके बाद भी इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फाइनली आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, और भी कुछ नए ट्राई करूंगा वीडियोज जो हमारे चैनल पे हैं, और भी कुछ बदलाव करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसे वीडियोस के लिए, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस चैनल पे मिलते रहते हैं, नॉलेजेबल वीडियोस मिलते हैं, ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, अनबॉक्सिंग्स भी मिलती रहती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।